हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रीटा स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल रीटास तड़का में। और आज की मेरी रेसिपी है व्हाइट सॉस पास्ता। तो जब भी आप घर में कोई छोटी सी पार्टी करें या बच्चों की पार्टी करें, तो झट से बनाएं अपने घर में व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ता उबालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप पास्ता लिया है और पतीले में मैंने पहले ही 3 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। और पास्ता भी इसमें डाल देंगे। तो पास्ता उबलने देते हैं, इतने हम अपनी व्हाइट सॉस बना लेते हैं। गैस मीडियम फ्लेम पे रखें। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए यहाँ हमने कढ़ाई गरम करने रख दी है और इसमें 1 चम्मच हम बटर डालेंगे। तो बटर को मेल्ट होने दें। गैस हमने यहाँ लो फ्लेम पे रखा है। 2 चम्मच अब हम इसमें मैदा डालेंगे और मैदे को हमें लगातार चलाना है। मैदे को हमें जब तक भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो यहाँ देखिए मैदे का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ मैं 1 कप दूध ले रही हूँ। अभी हम 1/2 कप दूध डालेंगे और इसे लगातार चलाएंगे। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। और 1/2 कप दूध और डाल देंगे। इसे थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएं जिससे इसमें लम्स ना पड़े। तो यहाँ ये सॉस गाढ़ा हो गया है तो हमने 1/2 कप दूध और डाल दिया है। अब यहाँ हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक मिक्स कर लेंगे इसे। और थोड़ी सी यहाँ मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च ना डालें लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए सॉस हमारी ये बन चुकी है। अब हम इसमें ये चीज़ डालेंगे। चीज़ को मैंने पहले ही ग्रेट कर लिया है। चीज़ आप यहाँ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी चीज़ डाल रही हूँ और इसे भी लगातार चलाएं। तो ये सॉस हमारी रेडी है। गैस बंद कर देंगे। तो फिर से कढ़ाई गर्म करने के लिए रख देते हैं और 1 चम्मच इसमें बटर डालेंगे। गैस लो फ्लेम पे रखें। तो यहाँ मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन ले रही हूँ और ये थोड़े से कॉर्न। तो बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें लहसुन डालेंगे। गैस यहाँ आप लो टू मीडियम कर सकते हैं। अब इस पे प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, और इसे हल्का सा सॉटे करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। ध्यान रखें हमने सॉस में भी नमक डाला है तो नमक इसमें ज़्यादा ना डालें। और ये कॉर्न भी इसमें डाल देंगे। इसे भी 1 मिनट के लिए हल्का सा सॉटे करेंगे। और 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ये भी डाल देंगे। और बस अब इसमें हम पास्ता डालेंगे। तो ये देखिए पास्ता को हम इस तरीके से दबाएंगे तो ये आसानी से दब रहा है। इसका मतलब पास्ता हमारा अच्छी तरीके से उबल चुका है। तो अब इसमें ये पास्ता डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने ये सॉस बनाई है ये भी डाल देंगे। ये बिल्कुल मार्केट जैसी सॉस बनी है। जैसे हम मार्केट में खाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसमें आता है। और ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे उम्मीद है आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। यहाँ मैं 1/2 छोटी चम्मच चीनी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो चीनी ना डालें। तो ये लीजिए हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बनके तैयार है। गैस बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे।
तो जब भी आपको व्हाइट सॉस पास्ता बनाना हो तो झट से आप घर में व्हाइट सॉस पास्ता बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम चीज डालेंगे। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आज की इस रेसिपी को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं नई नई रेसिपीज़ की वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।